गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावत यूट्यूब चैनल पर। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ यूट्यूब चैनल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सिल्क रोड पार्ट टू पेज 76। द टर्न बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर। टर्न्स और शार्पर हो गए और हम रोड बम्पियर हो गया। टिस्टन नाउ इन थर्ड गियर। टिस्टन अब थर्ड गियर में। एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइंब, जैसे कि हम चढ़ाई कर रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर। ट्रैक मूव हो गया आईसी रिवर से। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लॉप्स दैट अवे फ्रॉम स्पॉटेड बिग रॉक्स। बड़ी बड़ी चट्टाने विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचन, जिसके बीच में पैचेस दिख रहे थे मिट्टी के, ऑरेंज लिचन के। बीनीथ द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो, और कहीं कहीं पे बर्फ जमी हुई थी तो वो हंक लग रहे थे। क्लंग ऑन द नियर ऑफ परमानेंट शेड। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स। फिर मुझे ऊंचाई पर अपने कानों में प्रेशर महसूस हुआ। हेल्ड माई नोज, मेरी नाक बंद हो गई। स्नॉर्ट एंड क्लियर देम, फिर मैंने नाक छींक कर साफ की। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, फिर हम दूसरे टाइट बैंड से निकले। टिस्टन स्टॉप, अब टिस्टन रुका। ही हैड ओपन्ड हिज डोर, उसने अपना दरवाजा खोला। एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, और अपनी सीट से नीचे उतरा। बिफोर आई रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन, इससे पहले कि मैं फील करता कि क्या हो रहा है। स्नो सेड डैनियल ने कहा। एज ही टू एक्साइटेड एग्जिटेड टू द व्हीकल, वो भी व्हीकल से उतर गया। लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और जैसे ही वो उतरा और उसने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अ स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे आगे बर्फ जमी हुई थी। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, ये लगभग 15 मीटर्स की थी। बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड डर्ट ट्रेल री अपियर्ड, और जहाँ तक कि डर्ट जहाँ उसके आगे भी डर्ट मिट्टी का रास्ता था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, हमारे दोनों तरफ स्नो फॉल हो रहा था। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, द बैंक वाज टू स्टीप, किनारे इतने स्टीप थे फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पेज, और वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था स्नो पेज के अलावा। आई जॉइंड डैनियल एंड टिस्टन स्टीप्ड ऑन द अनसर्टेड स्नो, फिर मैंने भी डैनियल और टिस्टन को ज्वाइन किया और वहाँ पर स्नो पर मिट्टी डालने लगे। एंड बिगेन टू स्लीथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड स्टैम्पिंग ऑफ हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो अपने पैरों से ठोक कर देख रहा था बर्फ को कि कहीं बर्फ लूज तो नहीं है ताकि पहिए उसमें गाड़ी के धस जाए। एसर्टिंग हाउ स्टर्डी इट वॉज, कि ये कन्फर्म बर्फ है जिस पर हम मिट्टी डाल रहे थे। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, फिर मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, ये घड़ी ऊंचाई बता रही थी समुद्र तल से। वी वर एट 5210 मीटर्स, हम 5210 मीटर्स अबव सी लेवल थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, बर्फ द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, स्नो मुझे ज़्यादा डीप नज़र नहीं आ रही थी। बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप, लेकिन डेंजर डेप्थ का नहीं था। डैनियल सेड सो मच इट्स एज इट्स आईसी टॉप लेयर, बल्कि इसके आईसी टॉप लेयर का है। इफ वी स्लिप ऑफ, अगर हम लुढ़क जाते हैं, द कार कुडंट टर्न ओवर, तो कार टर्न ओवर नहीं होगी। ही सजेस्टेड एज वी सॉ टिस्टन ग्रैब हैंड
फुल्स ऑफ डर्ट, उसने सजेस्ट किया जैसे कि वो डेग्रेडेशन ग्रेप डर्ट्स एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और वो फ्रोजन सरफेस पे मिट्टी लाके डाल रहा था। वी बोथ पेस्ड इन एंड वेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सोइल, और जब हमने बर्फ पे मिट्टी बिछा दी, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, डेनियल और मैं इस व्हीकल के बाहर ही रुके टू लाइटन टीस्टन रोड, ताकि टीस्टन की गाड़ी का लोड कम रहे और गाड़ी आराम से निकल जाए। ही बैग्ड अप एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, फिर वो डर्टी स्नो पर गाड़ी ले गया। ईज्ड द कार ऑन इट्स आईसी सरफेस एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपरेंट डिफिकल्टी, वो एक ट्रेन ड्राइवर था, बिना डिफिकल्टी के वो इस बर्फ पे अपनी गाड़ी निकाल ले गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद वी स्टॉप डेट अनादर ब्लॉकेज, फिर हम दूसरे ब्लॉकेज पे रुके। नॉट गुड सर, टीस्टन अनाउंस, टीस्टन ने कहा। एज ही जम्प्ड आउट अगेन, जब वैसे वापस बाहर निकला टू सर्वे द सीन, उसने सर्वे सीन करने के लिए ड्राइवर टीस्टन, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने डिसाइड किया कि वो स्नो पर ही ड्राइव करेगा। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टर्ड विद मेजर रॉक्स, स्लोप बिल्कुल स्टीप था एंड उसमें मेजर रॉक्स थे रास्ते में, बट सम हाउ टीस्टन नेगोशिएटेड देम, लेकिन टीस्टन ने उसे नेगोशिएट किया। हीज फोर व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू नेक्स्ट, उसके आगे एक से दूसरी मुसीबत आती जा रही थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हारपिन्स ब्लेंड, उसे बिल्कुल हार हेयर पिन बैंड जैसे वहाँ पे घुमा, उसे रिग्रेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्राफ्टेड, कि जहाँ पे स्नो नहीं हो। आई चेक्ड माई वॉच अगेन, फिर मैंने अपनी वॉच दोबारा चेक की। वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन, हम सनशाइन में क्लाइम कर रहे थे। वी क्रेप्ट पास 5,400 meters, अब हम समुद्र से 5,400 meters ऊपर थे। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रोप होराइबली, अब मेरा सिर दर्द करने लगा बहुत तेज। आई टुक गर्व्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने पानी की एक दो घूट पिए बोतल से। विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट, इससे कि ताकि थोड़ी राहत मिले। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 meters, लास्ट में हम 5,515 meters की ऊंचाई पर थे। इट वॉज मार्क्ड बाई लार्ज क्रेन ऑफ रॉक्स फेस्टूंड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, ये वाइट सिल्क बिल्कुल बर्फ आच्छादित हो रही थी पहाड़ियों पर। एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स, और यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए थे। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द चेन, हमने उसके राउंड लिया। एंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इट इज़ ट्रेडिशन, और जैसे कि ट्रेडिशन थी कि क्लॉकवाइज पहाड़ की चोटी पर जो सब जाके वहाँ पे झंडा फहरा देते हैं अपने अपने कंट्री का, तो वहाँ पे फ्लैग्स थे। और जैसे कि ट्रेडिशन थी कि वो हमने कोरा पूरा करने का था ना, क्लॉकवाइज ट्रेडिशन। एंड टीस्टन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, मैंने पूरा किया कोरा किया और टीस्टन ने व्हीकल के टायर चेक किए। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वो पेट्रोल टैंक के पास रुका एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप, और उसने जैसे ही ढक्कन खोला, विच इमिटेड अ लाउड हिस, तो उसमें से बहुत तेज से हिस की आवाज़ आई। द लोअर एटमोसफियरिक प्रेशर, जिसमें कि लोअर एटमोसफियरिक प्रेशर का था, वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, इससे क्या हुआ कि वो टैंक में जो फ्यूल था वो एक्सपेंड हो गया, फेल गया। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, ऐसा लगा मुझे बहुत डेंजरस साउंड थी। मे बी सर, टीस्टन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, टीस्टन हंसा और उसने कहा कि यहाँ पे स्मोकिंग मत करना। माई हेड एक सून क्लियर्ड एज वी कैरीड डाउन, मेरा सिरदर्द कम हुआ जैसे हम नीचे की तरफ आए। द अदर साइड ऑफ द पास, दूसरी तरफ से। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच, ये 2 बजे का टाइम था जब हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट, हमने लॉन्ग कैनवास टेंट में नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप, ये एक वर्क कैंप का पार्ट था। इरेक्टेड बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक,
जो कि एक ड्राई सॉल्ट लेक के किनारे था। द प्लेट्यू इज पॉक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स, और जो यहाँ का प्लेट्यू था वो पॉक मार्क्ड था विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स वेस्टिस ऑफ टेथिस ओशन। ये टेथिस ओशन के अवशेष हैं जो कि यहाँ सॉल्ट लेक के नाम से बचे हुए हैं। भी यहाँ पे सब विच वॉज बॉर्डर तिब्बत, जो कि तिब्बत बॉर्डर में आता है, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन, जब भी इसके ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन के पहले देट लिफ्टेड इट्स स्काईवर्ड। जी इसे जब दो कॉन्टिनेंट स्ट्राइक हुए तो ये आसमान की तरफ उछल के वहाँ पर स्थायी हो गया। दिस वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी मैन विद पिक्सैक्स शॉल्स ट्रगिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट, और उनके जो शिप लॉन्ग स्किन कोट थे, सॉल्ट एंसेस्टर बोट, और उनके जूते थे उन पे नमक लगा हुआ था, ऑल वर सनग्लासेस, सबने सनग्लासेस पहन रखे थे अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ अ ब्लू ट्रक, एक स्टेडी स्ट्रीम ब्लू ट्रक का था इमर्ज्ड फ्रॉम ब्लाइंडली वाइट लेक, जो उस ब्लाइंडली वाइट लेक से निकला लेडन विद पाइल्स ऑफ साल्ट, और उसके अंदर नमक की सिल्लियाँ रखी हुई थी। बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन, अब हम छोटे कस्बे में आ गए, और बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट, हम दो नीचे लौट रहे थे ईस्ट वेस्ट की तरफ हाईवे, देट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो पुराना रास्ता था लासा से कश्मीर के लिए, डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लासा, डेनियल जिसको लासा लौटना था, फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, तो उसने ट्रक में लिफ्ट ले ली, सो टीस्टन एंड आई बेड इन फेयरवेल, इसलिए टीस्टन और मुझे उसे फेयरवेल कहना पड़ा आउटसाइड द टायर रिपेयर शॉप, और हम टायर रिपेयर की शॉप पर रुके हुए थे। वी हैड सफर टू पंक्चर्स इन क्विक सक्सेसन, और हमारे टायर में दो पंक्चर हो गए थे ऑन द ड्राइव डाउन, जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे, द सॉल्ट लेक एंड टीस्टन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और टीस्टन ईगर था उन्हें सही कराने के लिए, सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि अब उसके पास कोई स्पेयर्स नहीं था बिसाइड्स जो इसमें स्टेप नहीं हो, क्योंकि द सेकेंड टायर ही वुड चेंज, जो सेकेंड टायर उसने चेंज किया था, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, वो एक के द्वारा रिप्लेस हो गया था, देट वॉज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड, और जो नया टायर उसने लगाया वो भी इतना गंजा था जैसे कि मेरा सिर, मीन्स टायर घिसा हुआ था। होर वॉज अ ग्रिम, होर वॉज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस था, देर वॉज नो वेजिटेशन वट एवर वाट्स ओवर, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नज़र नहीं आ रहा था, जस्ट डस्ट एंड रॉक, सिर्फ यहाँ मिट्टी और चट्टाने नज़र आ रही थी, लिबरली स्केटर्ड विद लेयर्स, जो कि सालों से यहाँ है, एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और ये टाउन लेक मानसरोवर पे था। तिब्बत्स मोस्ट, जो कि तिब्बत का मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर है, जहाँ से सभी नदियाँ निकलती, एंशंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट, जो प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट है, कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स, जो इसे चार नदियों का सोर्स मानते हैं, द इंडस, सिंधु, गंगा, सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र, कि ये चारों मानसरोवर से निकली, एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोस फ्रॉम द लेक, जबकि वास्तविकता ये है कि केवल मानसरोवर से, मानसरोवर जो लेक है उससे केवल सतलज नदी सतलज निकल रही है इससे, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर रिवर्स ऑल्सो राइज नियर बाय, लेकिन जो दूसरी नदियाँ हैं उनका वाटर आसपास से निकल रहा था, यहाँ के फ्लैंक्स ऑफ अ माउंट कैलाश, जो माउंट कैलाश से है, वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, अब हम यहाँ ग्रेट माउंटेन पे हैं, कैलाश पे, आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड बट आई हैड टू वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, टिस्टन टोल्ड मी टू गो
एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे, कि वहाँ जो एक अकेला कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे जाके मैं चाय पी लूँ। टीस्टन ने कहा, लाइक ऑल अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, जैसे कि दूसरी बिल्डिंग्स थी टाउन में, वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट, जो कि बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट की बनी हुई थी, एंड हैड थ्री ब्रोकन विंडोज, जिसके अंदर तीन टूटी हुई खिड़कियाँ थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू द वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट, जो यहाँ सूखा पड़ा हुआ था उसका मैं व्यू देख रहा था, झील का जो इसमें से नज़र आ रहा था टूटी खिड़की में से, वो एक अच्छा व्यू नज़र आ रहा था जो कि मेरे कंपनसेशन के लिए अच्छा था। आई वॉज सर्व्ड बाई चाइनीज़ यूथ, एक चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पर थी, हु स्प्रेड अ ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल, जिसने तेल के कपड़े से मेरी टेबल को साफ किया विद अ फिल्दी रैग और गंदे कपड़े से, बिफोर ब्रिंगिंग मी ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी, और उसने मेरे सामने एक ग्लास और थर्मस ऑफ टी रख दिया। हाफ एन आवर लेटर टीस्टन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, टीस्टन आधे घंटे बाद आया, एंड वी ड्रोव पास्ट लॉट ऑफ मोर रॉक्स एंड रबिश, फिर हम चट्टानों में से और रबिश वेस्ट वार्ड से गुजरते हुए टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश की तरफ आई। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टार कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रेवल्स, जो मेरा अनुभव था होर के अंदर स्टार कॉन्ट्रास्ट, जो विरोधाभासी था अकाउंट आई हैड, जो मेरा पहले था अर्लियर ट्रेवलर ट्रेवलिंग का। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक, पहला तो मेरा एनकाउंटर लेक पे का हुआ मानसरोवर में, जो मानसरोवर झील थी। इकाई कावागुची जैपनीज मॉन्क, और जो जैपनीज मॉन्क है हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, जो यहाँ पे 1900 में आए थे, वाज सो मूव्ड बाय सैंक्टिटी ऑफ लेक, जो इस झील के एकांत से प्रभावित हुए थे, एंड ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो आंसुओं में डूब गए। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कपल ऑफ दो वर्ष बाद ही द होलोड वाटर्स हैड सिमिलर इफेक्ट ऑन सेवन हेडिन, जो सेवन हेडिन में था स्टूडियो, हु वाजंट प्रोन सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। आई वाज डार्क बाय द टाइम, अंधेरा हो रहा था, फाइनली लेफ्ट अगेन आफ्टर 10:30 PM, रात के 10:30 बज गए। वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस, हम एक गेस्ट हाउस के बाहर रुके, इन अ ड्रेजन फॉर वाट टर्नड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, जैसा लग रहा था कि हमारी दूसरी ट्रबल्ड नाइट है। किकिंग अराउंड इन ओपन एयर रबिश डंप, जो हम ओपन एयर रबिश डंप पर पास्ड फॉर अ टाउन ऑफ और हैड अ सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, अब मुझे फिर से नाक बंद हो गई जुकाम की वजह से। दो द ट्राई ट्रूथ टू बी टोल्ड ट्रूथ इफ दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड, अगर सच कहा जाए तो, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड, ये जुकाम कभी गया ही नहीं था। विद माई हर्बल टी, उस हर्बल टी से वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन, मेरा एक नाक फिर बंद हो गया। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, आई वाजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशेंट ऑक्सीजन, कि एक नाक मुझे इतनी सफिशेंट ऑक्सीजन दे देगी कि जीने के लिए, ये मुझे कन्विंस नहीं हो रहा था। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 meters, कि अभी भी हम समुद्र तल से 4760 meters ऊपर थे। इट वॉजेंट मच हायर देन राहु, ये राहु से ज़्यादा हायर नहीं था, ऊंचाई पे नहीं था। एंड देयर आई वुड बी आई हैड बीन गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स, जहाँ मैं सेवरल टाइम्स ऑक्सीजन के लिए तड़पा फॉर नाइट। आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दिस नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस बाय नाउ, बट दे वी स्टिल स्केयर्ड मी, अभी भी मुझे इनसे डर लग रहा था, जो मेरे नाक बंद हो जाते, ऑक्सीजन की कमी लगती थी। टायर्ड एंड हंगरी, मैं टायर्ड भी था और हंगरी भी था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, तो मैं मुँह से सांस लेना मैंने शुरू किया। आफ्टर अ वाइल आई स्विच्ड टू अ सिंगल नोस्ट्रिल, फिर मैं एक स्विच्ड हुआ सिंगल नोस्ट्रिल पे, पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, जो मुझे कानम से इनफ ऑक्सीजन दे। बट जस्ट एज वाई ड्राफ्टिंग ऑफ, जैसे ही मैं वाई वॉक अप अब्रप्टली, मैं उठा, समथिंग वाज रॉन्ग, मुझे कुछ गलत लग रहा था। माई चेस्ट फेल्ट
स्ट्रेंजली हेवी, मेरा सीना भारी हो रहा था एंड आई सेट अप अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल. एक मोमेंट जैसे मैं नाक साफ कैसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिलीव्ड द फीलिंग ऑफ माई इन माई चेस्ट. थोड़ा मुझे राहत महसूस हुई. क्यूरियस आई थॉट और मैं चिंतित था.